दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। बताइए, पेपर वाले दिन बकायदा बैग लेकर घर से निकले, बसों से सफर करते हुए सेंटर तक पहुंचे, पेपर की पाली में सामने जैसे ही आया सवाल, आवाज आई कि भाई पेपर लीक हो चुका है, घर जाइए। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम स्टोरी बता रहे हैं युवा अपने वीडियो से, तस्वीरों से। अब विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक आ जाए और पेपर लीक हो जाए और विपक्ष क्या शांत बैठेगा? युवा तो शेयर कर ही रहे थे, साथ साथ विपक्ष भी उनकी कहानियां शेयर करते दिखा। कहते दिखे कि भैया पिछले 5 सालों में हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ और बुलडोजर नाथ भ्रष्टाचारियों को बचाते रहे। देखिए जरा, मैं पैर से विकलांग हूँ और सेंटर ऐसी जगह पर था जहाँ पर आवागमन की कोई भी सुविधा भी नहीं थी, जहाँ मैंने लोगों से हेल्प मांगी, वो भी बड़ी मशक्क़त के बाद मुझको मिली। मैं परीक्षा के दौरान पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है, इसका मुझे बहुत गहरा आघात हुआ, क्योंकि मुझे जो समस्याएं, नॉर्मल को तो नहीं कह सकता लेकिन मैं पैर से विकलांग हूँ, मुझे बहुत हुई। तो सपा दावा करती नजर आई कि टेट पेपर लीक मामले समेत अन्य मुद्दों के खिलाफ युवाओं की बुलंद आवाज समाजवादी। तो गिर जाएंगे यार, खैर विपक्ष इसे शेयर कर रहा है, अच्छा है, लेकिन हमें और आपको भी सोचना चाहिए कि आखिर सरकारी एग्जाम में ऐसे कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। अब आइए जान लेते हैं इस केस में अपडेट। यूपीएसटीएफ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर पेपर आउट करने, सॉल्वर बैठाने और बाकी ऐसे माध्यमों से नकल कराने वाले गिरोह के सदस्यों, सॉल्वरों और अभ्यर्थियों सहित कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज से सबसे ज्यादा 18 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा कौशाम्बी से 1, शामली से 3, अयोध्या से 3 और लखनऊ से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस की ओर से प्रयागराज, लखनऊ और मेरठ में छापेमारी का दौर लगातार अभी भी जारी है। खैर बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पेपर लीक की खबर इतनी बड़ी थी कि सोचिए विपक्ष ने रातों रात इनके खिलाफ बैनर लगा दिए। लिखा था, नकल दमदार, छात्रों का बंटाधार, योगी सरकार, निरस्त परीक्षाओं और पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बनाने पर योगी सरकार को बधाई। आपको बता दें कि ये बैनर सपा नेता आईपी सिंह द्वारा लगवाए गए। उन्होंने बकायदा इस बात की जानकारी जो है ट्वीट करके दी। लिखा, निरस्त परीक्षाओं और पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बनाने पर योगी सरकार को बधाई। भ्रष्टाचार में यूपी नंबर 1 है, इसीलिए इसकी भी होर्डिंग लगाई जानी चाहिए। सरकार नहीं लगाएगी तो मैंने ही लगवा दी। नकल दमदार, छात्रों का बंटाधार, योगी सरकार। ये था हमारे आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुन लीजिए कि यूपी से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको यूपी तक की वेबसाइट पर मिलेंगी और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी तमाम इस केस से संबंधित और बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।